गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज देखिए सोमवार का मेरा फास्ट है और हम सुबह सुबह मंदिर पहुंच चुके हैं और ये मैं बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिख रही हूँ। आपकी जितनी इच्छा हो आप उतने बार मतलब लिख सकते हैं ओम नमः शिवाय। मेरे पास थोड़ा टाइम कम था तो इस वजह से, जैसे कि आज बच्चों को स्कूल जाना है और मैं सोमवार का भी फास्ट है, बच्चों के लिए लंच वगैरह भी बनाना है, तो इसलिए मैं तो अपना ये सिर्फ पांच पत्ते लेकर उसके ऊपर मैं सिर्फ पांच पत्तों पे लिख रही हूँ ओम नमः शिवाय। आपकी जितनी इच्छा है, जैसे कि 11, 5, 108 पर भी आप लिख सकते हो। ये मनोकामना पूर्ण करते हैं और ये मैंने पहले भी करके देख रखा है, तो आप मतलब आप जो मांगोगे तो भोले बाबा ज़रूर सुनते हैं, तो आप ज़रूर करके देखें। और इसको चंदन से लिखना होता है और फिर चंदन से लिखने के बाद इस पे ओम लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय तो आप पूरा नहीं लिख सकते इस पे, उसके बाद फिर शिव जी पर ओम नमः शिवाय बोल बोल कर चढ़ाने होते हैं। और यहाँ पर मेघा भोले बाबा पर जल चढ़ा रही है, तो हम जल चढ़ा के मैं मेघा हम दोनों साथ में गए थे, राखी नहीं आई आज किसी कारण। तो ये हमारा बाबा मंगलदास है और ये है हमारे देवता। तो हमारे देवता जी पर भी मैं जोत बत्ती कर रही हूँ, तो देवता महाराज के हाथ जोड़ने के बाद अब हम चलते हैं घर को। तो हम चलते हैं घर और देखिए ये है हमारा झोड़ है, झोड़ के पास ही हमारा मंदिर है, तो ये झोड़ है। तो अब आप झोड़ का क्या बताऊँ, ये तो आपने पहले भी ब्लॉग में देख रखा होगा, बट ये झोड़ है हमारा, तो जैसा भी है अब यही है भाई, अच्छा बुरा जो भी है, झोड़ तो झोड़ होता है। तो अब हम चलते हैं घर और ये हमारा बाबा मंगलदास पीछे से दिखाते हुए। और ये छोटा सा यहाँ पे पार्क बना रखा है और इस पार्क में मतलब हम मतलब लेडीज़ वगैरह तो आती नहीं है, बस गाय भैंस ही घूमती रहती है। तो चलिए घर चलते हैं। तो गाइज मैं घर आते ही थोड़ा सा थक गई, जैसे गर्मी लगी, एकदम जल्दी जल्दी गए और आए हैं, तो थोड़ा सा मैं हवा खा रही हूँ, यहाँ पे लेट रही हूँ। मैंने बच्चों के लिए खाना लंच वगैरह बना दिए हैं, मोहित के कपड़े भी प्रेस करके पहनाए हैं उसे, मतलब दोनों बच्चों के कपड़े प्रेस करे थे मैंने। और यहाँ पे बगीरा साहब जी आ गए हैं, तो बगीरा आ गया है, तो बगीरा तो भैया अपना ये मीशी के साथ पागलों की तरह घूमता रहता है। देखो यहाँ पे बस इसको ज़रा सा टाइम चाहिए मीशी को दिख जाए तो ये पागल होता है। और इस खाने के कटोरे पे ये चाहे हम इसको फुल भर दें, पूरा साफ कर देगा, अगर खाली भी है तो भी उसमें पैर रख रख के उसके अंदर खाना कोशिश करता है ये। तो ये यहाँ पे इसकी कंट्रोवर्सी जो भी कुछ है ये सब चल रहा है इसका। तो ये सुबह सुबह बस इसको भूख लग रही होगी भाई, देखो सुबह सुबह सबको भूख लगती है। तो अब बच्चे रेडी हो चुके हैं और बच्चे भी इनके साथ टाइम पास कर रहे, देखो सॉक्स वॉक्स सब चुको पहन के बैठे हैं, क्योंकि टाइम हम आज जल्दी उठ गए थे तो हम मंदिर भी होके आ गए। और भाई तुम सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो, देखो गाइस मोहित तैयार हो गया, रेडी होके बैठा है मोहित, और हम नहा धो के मंदिर से भी आ गए। हम अब उठे तो हम वॉक पे के लिए थे, लेकिन संध्या नहीं है, राखी भी नहीं गई, तो इसलिए हम नहीं गए। तो हम मंदिर चले गए, सोमवार था, हम 5 बजे चले गए, 5:30 बजे तो हम वापस भी आ गए। और अभी टाइम हो रहा 6:30 भी नहीं बजे और बच्चे भी रेडी हो गए, बेटा बाल काट लो। एक तो तुझे दूध दे रही है, हाथ तेरे पापा। निरंजन आर्य निकल गया आज, आई फ्री हो गया, नहीं ऐसे लग रही है जैसे निरंजन आर्य निकलेगी।
का हो रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हो अच्छे होगे। तो आज सोमवार का फास्ट है और हम सुबह मंदिर जल्दी चले गए थे और बच्चे स्कूल चले गए और मैं वेट इसलिए नहीं दिखा पा रही अपना। कुछ लोग मेरे से बोल रहे वेट चेक नहीं, मतलब वेट नहीं कर रहे, मेरे पे व्हाट्सअप मैसेज आ रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरा वेट वहीं पे रुक चुका है, 85.2345 ये मेरा आ रहा है, 5 से ऊपर नहीं जा रहा। तो मतलब आप 85.5 मान लो, 87 पॉइंट कुछ था। तो ये 10-11 दिन हो गए हैं, तो 2 किलो मेरा कम हो गया है 10 दिन के अंदर। अभी जिस दिन मेरा वेट कम हो जाएगा मैं उस दिन आपको अपना वेट दिखा दूंगी। मैं वीडियो भी बनाती हूँ क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ। अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है शरीर में, मतलब उसमें मुझे 2 दिन बुखार हो गया था, फीवर हो गया, तो उसकी वजह से मैं डाइटिंग छोड़ दी। लेकिन हाँ, वेट मेरा वहीं पर रुका हुआ है, तो इस वजह से मैं अपना वेट नहीं दिखा रही, क्योंकि मुझे बुखार हो गया था तो उस वजह से मैंने थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो डाइटिंग थोड़ी सी मतलब कम कर दी। तो अब आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज फास्ट भी रख लिया मैंने, तो अभी देखूँ कल भी फास्ट है तो देखूँ कल रखती हूँ मैं फास्ट या नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है कि फीवर हो गया ना तो फास्ट के लिए मना किया है। तो अभी देखो, आज सुबह से मैंने सुबह उठी, मैंने नहा धो के पूजा वूजा करने के बाद मैंने डायरेक्ट चाय ली अपनी। हाँ, चाय ही ली थी, पानी नहीं लिया। हाँ, 1 गिलास नॉर्मल पानी लिया फिल्टर का, और उसके बाद फिर मैंने अपनी चाय पी। और चाय पीने के बाद मैंने 11 बजे के करीब मैंने आधा गिलास दूध पिया है। तो दूध में मैंने चीनी डाल ली आज, क्योंकि फीका गुड़ वुड़ के साथ लेने को मन नहीं था। अभी इस टाइम पे गुड़ अच्छा भी नहीं लग रहा, तो अभी मैंने 11 बजे के करीब हो लिया है। और अब मैं छाछ पीने के मन कर रहा है कि चलो छाछ ले लेती हूँ, बट बुखार में पर जी कर, मतलब बुखार में तो नहीं ले सकते छाछ, लेकिन क्या करें, अब फास्ट में, सोमवार के फास्ट में कुछ ऐसा तो हम खा नहीं सकते। फ्रूट मैं ज़्यादा खाती नहीं, मुझे फ्रूट पसंद नहीं है, कोई सा भी फ्रूट मुझे ऐसे पसंद नहीं है, बस एक तरबूज पसंद है और केला मैं खा लेती हूँ सिर्फ बनाना शेक के लिए। अब मैं बनाना शेक सोच रही हूँ अवॉइड करूँ, अगर खाऊंगी तो मैं आपको दिखा दूंगी, बट मेरा वेट वहीं रुका हुआ है, वेट अभी कम नहीं हो रहा, ना वेट मेरा ना बढ़ रहा ना घट रहा, वहीं पर रुक चुका है। तो जिस दिन मेरा वेट कम होगा, मैं चेक तो रोज़ करती हूँ, लेकिन जिस दिन मेरा वेट कम होगा मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगी, क्योंकि रुक गया है वेट और इसलिए मैं वेट नहीं दिखा पा रही अपना। और अभी बच्चे आने वाले स्कूल से आ जाएंगे, तो मैंने आज बनाई है अरवी की सब्ज़ी। तो मैं अरवी मेरे को अच्छी लगती है, मुझे तो अच्छी लगती है, पर बच्चों को इतनी पसंद नहीं है, बट अब मुझे पसंद है तो मैं तो भाई सुबह ही खाऊंगी अपनी अरवी की सब्ज़ी। आज तो फास्ट है, अगर मैंने कल भी फास्ट नहीं रखा तो खाऊंगी, वरना तो वैसे मुझे लगता नहीं है मैं कल फास्ट रख पाऊंगी, क्योंकि अभी से ही हालत ख़राब हो रही है क्योंकि बुखार। तो देखती हूँ क्या होता है, आगे दिखाती हूँ आपको। तो इसलिए मैं व्लॉगिंग भी ठीक से नहीं कर पा रही, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे कि व्लॉग नहीं हो पा रहा, क्योंकि घर का काम भी है जो शरीर में, ऑब्वियस सी बात है जब तबीयत ख़राब है तो काम भी नहीं होगा, डाइटिंग भी नहीं होगी और ब्लॉगिंग भी नहीं होगी। तो बस थोड़ी देर के लिए, और मैं दीदी के वहाँ पे गई थी थोड़ी देर के लिए, वहाँ पे एंजॉय कर लिया था, उसके बाद घर आके फिर से मेरी तबीयत ख़राब होगी, पता नहीं क्या हो जाता है एकदम थोड़ी देर, मतलब जब तक दवाई का असर रहता है तब तक बिल्कुल ठीक, और दवाई का असर ख़त्म होते ही फिर वही हाल, मतलब दवाई खाते ही तो ऐसे हो जाऊंगी जैसे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक, और दवाई का असर जैसे जैसे धीरे धीरे कम होता जाएगा फिर दोबारा। अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे फीवर स्टार्ट होगा, और आज नहीं और हो गई है, आई फ्लू चल रहा है, तो पता नहीं आई फ्लू है क्या है, आँख में वैसे तो मुझे लग रही है अंजन आ रही निकल रही है,
अंजन आ रही निकल रही है, तो इसकी वजह से मेरे इतने सारे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इसकी वजह से मेरे को बिल्कुल नहीं बोला जा रहा, ये इतना हिस्सा बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। आँख में तो बहुत ज़्यादा दर्द, मतलब यहाँ पे है बिल्कुल पॉइंट पे, अभी शुरू भी नहीं हुई है, बस ऐसा लग रहा है कि निकलेगी, और आँख में दर्द स्टार्ट हो चुका है। और अंजन आ रही जिसके निकलते हैं उनको भी पता होगा भाई स्टार्टिंग में बहुत दर्द होता है, तो मेरा फिलहाल बहुत दर्द हो रहा है, इसकी वजह से सर में भी दर्द हो रहा है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक वीडियो को लाइक कर देना। देखो गाइस हम चाय पी रहे हैं, अंशु के अब सिखा रहा है इसमें देख के हमारा फास्ट है आज। ये बैठी राखी, राखी की तबीयत ख़राब है आज, तेरे हो कह रहे हो वैसे, आज सबकी तबीयत ख़राब है गाइस, मेरी भी थोड़ी सी हल्की हल्की डाउन लग रही है मुझे। तो अब हम चाय पी लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। देखिए बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और खाना वाना खा के और बस अपना दूसरे ट्यूशन गए हैं, तो बस बेड की हालत देखिए, अब स्कूल के कपड़े भी ऐसे रख के जाते हैं ये बच्चे, और लेटे हैं कंबल एसी में, हेडफोन वगैरह सारे घर के तकिया एक साइड आ जाते हैं सबके बच्चों के। और अगर आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और अब वो दूसरे ट्यूशन गए, मोहित तो अभी गया नहीं था पहले वाले ट्यूशन में क्योंकि उसको सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो वो पास में ही है थोड़ा सा दूसरे वाले ट्यूशन, चाय वाय पी उसने, थोड़ा सर दर्द मतलब कम हो गया, तो मैंने सोचा दवाई क्या देनी, दवाई दूंगी तो बेकार है ना अभी से दवाई देनी, तो इसलिए मैंने उसको दवाई नहीं दी। चाय पिला के अदरक अच्छे से ढेर सारी अदरक डाल के चाय पिला के और अब वो ट्यूशन गए। अब मैं इस बेड को साफ कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैंने बिस्तर ठीक कर दिया है, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ जो आपको देखनी ज़रूर, मतलब आपको ज़रूर देखनी चाहिए, तो वो है हमारी मीशी रानी। तो आपको मीशी का बिस्तर दिखा देती हूँ मैं आज, जो कि हमने मैंने बनाया है। और वो कैसे बनाया है, जैसे कि ये गद्दा है इस पे, तो उस पूरे पे सिंगल एक गद्दा है, ठीक है। तो अब हमने तब ये गद्दा मंगाया है, उससे पहले इस पे दो सिंगल सिंगल गद्दे थे, ठीक है। तो एक सिंगल गद्दा हमने इसके लिए बना दिया और एक हमने मतलब फेंक दिया क्योंकि वो खराब हो गए थे, तो वो थोड़ा ठीक था वो हमने रख लिया। अब हमें नहीं पता था वो हमारे डॉगी के काम आ जाएगा, तो हमारे डॉगी उसके ऊपर सोता है। अब लेकिन इसने सो सो के उसके ऊपर उसको फाड़ दिया, अब फाड़ दिया तो फाड़ने के बाद उसमें से हमने आधा करके और उसको हमने जो लुक दिया है वो हम आपको दिखाते हैं। तो वो मीशी का है, उस पर किसी को बैठने भी नहीं देती और ना ही किसी को मतलब उस पर पैर वैर, मतलब तो बाहर में गई पैर वैर तो उस पर चढ़ने नहीं देती। देखिए ये बेडशीट थी और ये बेडशीट हमने इसी के गद्दे के लिए हमने बना दी है ये, और ये मैडम इस पर सोती रहती है और बिल्कुल एसी के सामने इसकी हवा आती है इस पर से, मतलब ये पूरा एक सिंगल था उसमें से हाफ करके हमने ये बना दिया। तो अब ये इस पर सो रही है आराम से। मीशी 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 चलो, ओहो कहाँ जाएगी, किधर जाना है, ऊपर चलना है घूमने, ओहो ऊपर चलना है, किधर जाएगी, सो जा अभी थोड़ी देर में चलेंगे, सो जा थोड़ी देर में चलते हैं, ठीक है। तो गाइस मैंने चलने को कहा और ये कैसे आके बैठ गई, अब ये बोल रही है कि चलो, कहाँ जाएगी हैं,
बैठ जा, अपना बिस्तर छोड़ के आ गई, सो जा। एसी बंद कर दूंगी फिर भी बाहर जाएगी तू, है ना? है ना मिशी? चलो चलो, देखो गाइस ये चलने के नाम पे कैसे देखती है, इतनी प्यारी है ये, इतनी सुंदर क्यूटी क्यूटी सी गुड़िया है ये, मुझे ये बहुत पसंद है गाइस। मैं इसको मतलब मेरी जान है ये, मेरी जान है ये, मेरी जान है ये, मेरी जान है ये, मेरी जान है। इसको प्यार करवाना भी नहीं आता, इसको है ना सर पे हाथ भी नहीं फेरने देती है ज्यादा। मिशी किन्नी सुंदर हो आप है। सो गाइस अब हम छत पे आ गए हैं, बच्चे ऊपर घूम रहे हैं, तो देखिए ऊपर का नजारा कितना अच्छा है। तो गाइस हम छत पे घूमने आ गए हैं, अब हम छत पे वॉक कर रहे हैं और यहाँ पे बच्चे भी वॉक कर रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और मिशी भी ऊपर ही है, देखो क्या हो रहा है, बोलो जल्दी। इनकी प्राइवेट बातें चल रही है, प्राइवेट। और देखो झंडा लहरा रहा बाबा को, खोली वाले बाबा को, बोल खोली वाले बाबा की जय। और चलो वॉक करते हैं। ये देखो मिशी कैसे खेल रही है, ये देखो इसको। हाँ कल उड़ाएगी, पता उड़ाएगी, अभी उड़ा ना मिशी। क्या खा रही है यूं? ये ब्याग देखो ओए, क्या खा रही है यूं मिशी, दिखाइए, दिखा दिखा, लेगा भाग गई। सो गाइस मैं फिर से आ गई राखी के घर, छत पे तो वॉक करके। ओह गर्मी लग गई गाइस मुझे, राखी एसी कूलर कुछ तो चला ले बहन, तुझे गर्मी नहीं लग रही? पर तू बैठी है ना, मन तो घूम के आए हैं, वॉक करके आए हैं। सुबह वॉक पे चलेगी, सुबह वॉक पे जाएंगे गाइस हम। और ये व्लॉग मैं आज ही डाल दूँगी, आज देख लेना और कल का कल डालूँगी। डेली व्लॉगिंग करके शाम को डालने की कोशिश करूँगी मैं। तो चलिए मिलते थोड़ी देर में। गाइस हम बाहर बैठ गए, अब राखी बैठी फ़ोन में लग रही है और मैंने अभी रील बनाई है, जिसने नहीं देखी शॉर्ट, जिसने नहीं देखी वो शॉर्ट्स पे जाके देख लेना मेरी शॉर्ट। और क्या हो रही, अब शाम का काम स्टार्ट करेंगे हम,
क्या करना है वो पता नहीं है, अभी घर जाके पता चलेगी। और मोहित आज ट्यूशन नहीं गया, उसके सर में दर्द है, वो सो गया। तो चलिए मिलती हूँ आप। सो गाइस अब दीदी से बात हो रही है वीडियो कॉल पे। सो गाइज आपको ब्लॉग कैसा लगा, होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।